ठीक है, तो कल जो मैंने आपको जो थ्योरम करवाई थी है ना, उसके बाद एक और थ्योरम है, वो कहलाएगी इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, प्रारंभिक मान प्रमेय और अंतिम मान प्रमेय, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये दिख रहा है तुमको आज तो कर्सर, सर, कर्सर दिख रहा है, यस सर, ठीक है ना। तो देखिए क्या इसका स्टेटमेंट है इनिशियल वैल्यू थ्योरम का, इनिशियल वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट क्या है कि यदि फंक्शन एफ टी तथा उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी, ये इसकी कंडीशन है बेसिकली, यदि फंक्शन एफ टी तथा उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता हो, तब इस थ्योरम के अनुसार क्या है, ये तो स्टेटमेंट है इसका। ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको ये मतलब बता दूं कि जितने भी फंक्शन है टाइम के, जरूरी है सबका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता हो, ठीक है। तो जिन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता हो और उसके डेरिवेटिव का भी निकलता हो, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता हो, तब इस थ्योरम के अनुसार एफ टी लिमिट टी टेंड्स टू जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस एफ एस, ये आपका स्टेटमेंट इस थ्योरम में बहुत मोटा है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं, व्हाट डज इट मीन। इसका मीनिंग यह है कि देखिए कोई फंक्शन है टाइम का, ठीक है, कोई फंक्शन है टाइम का, उसकी टी, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, क्या करें, टी बराबर जीरो रख दें उसे, ठीक है ना, तो टी बराबर जीरो रख देंगे, तो ये आ गई इनिशियल वैल्यू। टाइम फंक्शन का तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ टी दिया हुआ अपने को, टी टेंड्स टू जीरो लगा दो, इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यदि वही फंक्शन आपको एस डोमेन में दे रखा हो, एफ एस दे रखा हो, तब उसकी इनिशियल वैल्यू कैसे निकाले हम, तो ये थ्योरम क्या कहती है, बेसिकली टाइम फंक्शन को और एस डोमेन फंक्शन की इनिशियल वैल्यू को रिलेट करती है। टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, एफ टी टी टेंड्स टू जीरो, इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एस फंक्शन में इनिशियल कैसे निकालेंगे, वो जो फंक्शन का एस ना उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो दिया हुआ, उसको एस से मल्टीप्लाई करो और एस की लिमिट कितनी रखो, इनफाइनाइट लिमिट रखनी है अपने को उसकी, आगे समझ में है। ये थ्योरम ये कहती है टाइम फंक्शन और फ्रीक्वेंसी फंक्शन को कोरिलेट करती है ये, ओके। अब इसका प्रूफ, प्रूफ लाप्लास ऑफ एफ डैश टी से चालू करेंगे हम, ये हमने कल निकाला था ना डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ डैश टी ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी, ये कल मैंने निकाला था आपको, ठीक है ना। और मेरी क्लास है, क्लास दे रहा हूँ, क्लास है बाद में बात। तो इसका जो हमने कल लाप्लास निकाला था, वो लाप्लास क्या था, एस एफ एस माइनस एफ जीरो, आपको डायरेक्ट लिखना, याद रखना पड़ेगा, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इनफिनिटी एफ डैश टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ये हमको पता है, हम क्या कर देंगे, वी नो, ठीक है। अब क्या किया, तो छोटी सी डेरिवेशन है, दोनों तरफ लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लिए, पर दोनों तरफ हमने क्या ले ली, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी ले ली, ठीक है। ये था इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ डैश टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, लिमिट क्या लगा दी, ये एल आई एम है, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ये ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, मैंने यहां लगा दिया एस एफ एस माइनस एफ जीरो, दोनों तरफ लिमिट ले ली हमने एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करें हम, इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर जहां लिमिट है एस कितनी जगह, केवल यहां, यहां पर, वहां क्या रख देंगे, एस की जगह इन्फिनिट रख,
और इस फंक्शन के अंदर देखिए जो लिमिट है किसकी है, एस की है। यहाँ एफ जीरो है ये, ठीक है ना, दिस इज एफ जीरो, तो एफ जीरो जो है ये इसमें एस नहीं है, तो इसको हम लिमिट से बाहर निकाल, और यहाँ रखेंगे एस की पावर, एस की वैल्यू इन्फिनिट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिट कितना होता है, जीरो, तो ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, लिमिट से इस एफ जीरो को बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसमें एस नहीं है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस, ये आ गया और माइनस एफ जीरो बाहर आ गया। इस एफ जीरो को मैं इधर ले जाता हूँ, ये एफ जीरो, तो एफ जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस। नाउ एफ जीरो क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ जीरो को मैं लिख सकता हूँ फंक्शन एफ टी एट टी इक्वल टू जीरो, ये मैं एफ जीरो लिख सकता हूँ। एफ जीरो क्या लिख दिया, लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव बिल्कुल सिंपल सा प्रूव है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमने कर ली, अब हम करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस, ये इसका प्रूफ है छोटा सा, ठीक। अब इसी प्रकार से फाइनल वैल्यू थ्योरम, देखिए स्टेटमेंट तो जो है ना स्टार्टिंग का, वो तो दोनों का सेम है। क्या है, यदि फंक्शन एफ टी और उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता हो, क्लास स्टेटमेंट दोनों का सेम रहेगा, मतलब ये जो ऊपर का जो है कि क्या है, यदि फंक्शन एफ टी तथा उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता हो, तब इस थ्योरम के अनुसार, इस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, क्या होगा इस थ्योरम के अनुसार, देखिए अब ये कौन सी थ्योरम है, ये है फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। फाइनल का मतलब है टी की लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट, तब इस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, इस थ्योरम के अनुसार होगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी। अब यहां जीरो, टी इक्वल टू जीरो की बजाय क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है तो टी की लिमिट तो जीरो आएगी और एस की लिमिट इन्फाइनाइट आएगी। अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम है तो टी की लिमिट इन्फाइनाइट आएगी और वो फंक्शन एस से गुणा हो जाएगा और एस की लिमिट कितनी रह देंगे हम, एस टेंस टू जीरो। तो यदि टाइम डोमेन में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल वैल्यू के लिए टी इक्वल टू जीरो रख दीजिए, फाइनल वैल्यू निकालने के लिए टी इक्वल टू इन्फाइनिट रख दीजिए। बट वही फंक्शन आपको एस डोमेन में दे रखा है, तब आपको इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन को एफ एस को एस से गुणा करके लिमिट टी टेंस एस टेंस टू इन्फिनिट रखना पड़ेगा और फाइनल वैल्यू निकालने के लिए लिमिट एस टेंस टू जीरो रखना पड़ेगा। प्रूफ वहीं से स्टार्टिंग है, प्रूफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ डैश टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, दिस इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ये हमने प्रूव किया हुआ था, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अब प्रूव एस टेंस टू जीरो करना है तो दोनों तरफ, दोनों मीन्स यहां और यहां, दोनों तरफ लिमिट ले लूंगा एस टेंस टू जीरो दोनों तरफ, ठीक है। तो एस की मैंने लिमिट ले ली दोनों तरफ, दोनों तरफ लिमिट एस टेंड्स टू जीरो लेने पर, ठीक है, ये लिमिट ले ली मैंने दोनों तरफ, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ डैश टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ये देखिए एस एफ एस माइनस एफ जीरो है, ये दिस इज एफ जीरो, ठीक है, ये भी इसमें आ नहीं रहा है कर्सर पे। और अब देखिए अब यहां क्या करेंगे, एस की वैल्यू जीरो करेंगे, एस कहां पर है, केवल यहां, यहां पर, तो ई की पावर जीरो कितना होता है, वन, तो केवल क्या बच जाएगा यहां पे, एफ डैश टी, तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ डैश टी डी टी इक्वल टू, अब देखिए यहां पे एफ जीरो है, इसमें एस नहीं है, तो वापस इसको लिमिट से बाहर निकाल दें, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि सर यहाँ तो एस की वैल्यू आपने यहाँ पे जीरो रख दी, ठीक है,
यहां पे आप एस की वैल्यू जीरो क्यों नहीं रख देते? अगर जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो प्रूव कैसे हो? बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि यहां पे केवल एस एक ही जगह था, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी। यहां पे भी एस है और यहां पे भी एस है, तो इस एफ एस की वैल्यू अपने को पता नहीं है क्या है। जब तक एफ एस की वैल्यू पता नहीं है, हम इस एस को नहीं काट सकते। हो सकता है एफ एस ऐसा हो जाए नीचे एस हो, तो एस एस कट जाएगा, तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको जीरो नहीं रखना है। ओके, अब इसको सोल्व कर लीजिए आगे। ठीक है, सो लिमिट, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, एफ डैश टी को इंटीग्रेट कर दूंगा। एफ डैश टी को क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेट करूंगा। ये थोड़ा गलत है यहां पर। तो देखिए, जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्या बच जाएगा? एफ टी। क्या बच जाएगा ये? क्योंकि डेरिवेटिव फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्या बच जाएगा? एफ टी। ये ब्रैकेट, क्या बच जाएगा? टी। और इसकी लिमिट जीरो से इनफाइनाइट, इसकी लिमिट होगी, तो हो जाएगा एफ टी लिमिट जीरो से इनफाइनाइट इक्वल टू, ये एज इट इज लिख दीजिए, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस माइनस एफ सी। अब देखिए, इसकी लिमिट रखूंगा मैं, पहले टी की जगह क्या रखूंगा? इनफाइनाइट, और फिर टी की जगह जीरो। तो ये हो जाएगा एफ इनफाइनाइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस। ओके, एफ जीरो से एफ जीरो कट गया, ये एफ जीरो से एफ जीरो कट गया। तो देखिए, ये क्या था? एफ इनफाइनाइट था मेरे पास। व्हाट इज एफ इनफाइनाइट? एफ इट कैसे है? एफ टी व्हेन टी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो एफ इनफाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट एफ टी। एफ इनफाइनाइट को ये लिख सकता हूँ इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस। ये आपके प्रूव, ये प्रूव करना था हमको। तो दिस इज नोन एज द फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिए इसका। ठीक है, ये हो गया इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब ये इसका प्रूव हो गया, समझ में आ गया? तो दो थ्योरम मैंने आपको करवा दी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, अब एक तीसरी थ्योरम, थ्योरम का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम। थ्योरम में क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम, इट इज द थ्योरम नेम। ओके, तो क्या स्टेटमेंट है इसका? देखिए थ्योरम का, यदि फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तब इस थ्योरम के अनुसार फंक्शन टी इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस डी बाई डी एस एफ एस होगा। यानी लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे कल हमने किया था शिफ्ट इन एस डोमेन थ्योरम। ठीक है, एक कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है, तो इसको मैं सेंड कर देता हूँ वापस लिंक। ठीक है, तो जैसे हमने कल वो देखा था फंक्शन, जिसमें फंक्शन किससे मल्टीप्लाई हुआ था? e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई हुआ था।
तब उसका लाप्लास क्या होता है, एफ एस प्लस माइनस ए। तो देखिए यदि कोई फंक्शन मल्टीप्लाई होता है टी से, एफ टी है, दिस इज एफ टी, मल्टीप्लाई किससे हुआ है टी से, तो उसका लाप्लास क्या होगा, माइनस डी बाई डी एस एफ एस। वेयर व्हाट इज एफ एस, एफ एस है वो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो टी एफ टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, उस एफ एस को एस के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद अ नेगेटिव साइन, तो वो उसका डिफरेंश उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब इसका प्रूफ, प्रूफ इज वेरी सिंपल, ये प्रूफ ठीक है। सो वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, सॉरी लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये हमारे लाप्लास का फार्मूला है। कोई भी फंक्शन है उसके लाप्लास का फार्मूला ये है, और उसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, एफ एस से। सो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू एफ एस। ओके, अब हमने क्या किया, इधर और इधर दोनों तरफ एस के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसके सापेक्ष एस के सापेक्ष, तो ये हो गया डी बाई डी एस, ये ब्रैकेट पूरा एग्जिट आ गया, इंटीग्रेशन जीरो से इनफिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एफ टी डी टी इक्वल टू डी बाई डी एस एफ एस। इधर कुछ नहीं करना, सारा काम जो होगा वो इधर ही होगा, तो डी बाई डी एस एफ एस आ गया ठीक है। तो इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी डी बाई डी एस को अंदर ले लिया, और ये पूरा ब्रैकेट एच जाएगा एफ टी ई की पावर माइनस एफ टी, और डी टी बाहर रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन बाहर है, तो डी टी बाहर रहेगा। इस पूरे को मुझे एस के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है ठीक है, ये एच डी रहेगा राइट साइड में। अब देखिए इधर हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है ठीक है। मैंने क्या किया, इसको एस के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए एस कहां पर है, केवल यहां पर, तो डी बाई डी एस इसका डिफरेंशिएशन होगा केवल ई की पावर माइनस एस टी का, ये कांस्टेंट रहेंगे ठीक है। तो देखिए एस के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो माइनस टी कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, तो ये एफ टी इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी आएगा ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी एस एफ एस हो जाएगा। और इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, टी एफ टी, टी एफ टी, और ये ई की पावर माइनस एस टी डी टी बाहर रहेगा। तो देखिए लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस डी टी, यहां क्या आ रहा है, एफ टी के साथ टी और आ रहा है, विच इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस। सो इसको मैं क्या ले सकता हूं, लैपलास ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस। ये नहीं आएगा इसके अंदर, ये इंटीग्रेशन का टर्म नहीं आएगी, ये नहीं आएगी ठीक है। इसको मैं पूरे को क्या ले सकता हूं, लैपलास ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस। तो ये इसका प्रूफ हो गया। देखिए ये इंडिकेट करेगा कि जो मेरा फंक्शन है, यदि वो फंक्शन टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, इसको पार्टिसिपेंट का वे तनुज आ गए तुम क्लास में, तनुज आवाज आ रही है क्या, तनुज आवाज आ रही है, चलो आ तो गया तनुज, आवाज आ रही है, तनुज आ रही है, ठीक है, अनम्यूट कर दिया इसको, इसको भी अनम्यूट कर, ठीक है। तो इसका लाप्लास,
टी इंटू एफ टी का लाप्लास होगा माइनस डी बाई डी एस। हाँ बोलो लोकेश, लोकेश क्या कह रहे नहीं हो? सर कुछ नहीं, सोनू जी ने अब ये कह रहा है। नहीं सर अच्छा ऑटोमेटिक। नहीं, मैंने तो सबको अनम्यूट ही करके रखता हूँ, है ना, जिससे क्या है कि आप लोग बात कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। तो ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे डाल दूंगा, कल वाले तो ढंग से नहीं हो पाई रिकॉर्डिंग, आज वाली रिकॉर्डिंग सही रहेगी बिल्कुल, डाल दूंगा मैं। और इसको आप डेरिवेशन को खुद अपने हाथ से कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी को। तो उसके बाद आपको जो भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम और एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थ्योरम जो आती है, ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इंटीग्रेशन की थोड़ी कम रहती है, क्योंकि थोड़ा टफ पड़ जाता है वो। टफ क्या तो खैर नहीं पड़ता, आप लोगों को क्या है कि इंटीग्रेशन देख के थोड़ा सा डर लगता है, ऐसा मैंने फील किया इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को। तो ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम है, बहुत आसान थ्योरम है ये। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है डेरिवेशन का, उसको आप कर लीजिए और एक दो बार घर पे समझ के और फिर इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपके आसानी से आपके ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आज